जल में और जो नदियों का जल था, नहरों का जल जो सिंचाई के लिए आ रहा था, वो जल आज इतना दूषित हो चुका है कि हम सीधे सीधे पानी बिगर आरो लगाए नहीं पी सकते। जब खेती में जो जल इस्तेमाल होता है तो उससे हमारे गेहूं में, फसल में जो जानवर चारा खाते हैं उसमें यूरिया जैसी चीजें बहु मात्रा में पाई जाती है। जब हमारा सैंपल भरा जाएगा दूध का, आटे का, दाल का, चावल का, मिर्ची का, मसाले का, सब का, तो उसमें वो चीज हमारी स्थिति खराब पैदा करती है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है किसी भी व्यापारी का सैंपल जब तक खेती में कीटनाशक रासायनिक खाद डालने के मानक तय न किए जाए जब तक ना भरे जाए। यदि इसी तरह से व्यापारियों के सैंपल भर के फूड डिपार्टमेंट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न करने का, व्यापारी को जेल भेजने का काम करेंगे तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करेगा और व्यापारियों के सैंपल नाजायज तरीके से नहीं देंगे। जीएसटी क्या करेंगे? जीएसटी केंद्र सरकार ने देश के उद्धार के लिए कर इकट्ठा करके विकास में पैसा लगाने के लिए लगाएगी, जिसे हमें बताया जाता है कि बहुत अच्छी योजना है, इससे व्यापार की उन्नति करेगा और देश की उन्नति करेगा। व्यापारी ने बढ़ चढ़कर जीएसटी में सहयोग दिया, कोरोना काल में भी इतना पैसा सरकार को दिया कि सरकार के खजाने में जाए। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल के महीने में 1,87,000 करोड़ रुपए जीएसटी व्यापारियों ने इकट्ठा करके सरकारों को दिया, जो दुनिया का रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी बड़े से बड़े देश में इतना जीएसटी नहीं इकट्ठा होता है जितना हिंदुस्तान के व्यापारियों ने इकट्ठा करके। मगर 2 महीने पहले प्रदेश सरकार छापेमारी कर रही थी, 2 महीने बाद अब केंद्र सरकार की छापेमारी आ गई। कहते हैं कि बोगस फर्मों की जांच कर रहे हैं, अगर बोगस फर्में पाई जाती हैं तो इस कंपनी जीएसटी पोर्टल का फेलियर है और अधिकारियों का भ्रष्टाचार सामने आता है, क्योंकि अधिकारियों के मिली भगत के बगैर बोगस फर्म रजिस्टर नहीं हो सकती। एक एक रजिस्ट्रेशन के लिए 7-7 बार क्वेरी आती है, ईमानदार आदमी जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जीएसटी में छापेमारी व्यापारियों के अंदर ना करके अपने भ्रष्ट अधिकारियों के छापेमारी करे और जीएसटी पोर्टल को इस तरीके से फुलप्रूफ बनावे कि जिससे उसमें कोई सेंधमारी करके बोगस फर्म को रजिस्टर न करवा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।